बनारस में जब पढ़त रहन तो पढ़त कम रहन है, संतन के साथ ज़्यादा चले जाते रहन है, बस उन्हें इनके सत्संग में रही। फिर 4-5 साल बाद हमारे घरे महिरवा छूट, लड़का कहाँ गया, बनारस यूनिवर्सिटी गए, म्यूजिक फैकल्टी गए, पता चला कि राजकुमार शास्त्री 5 महीने से गोल है, 2 बार नाम भी कट चुका है। अब हम तो संत के साथ भ्रमण कर रहे हैं, पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह बस हो गया राम नाम आधार जीवन में। कुछ लिए कुछ दिन के लिए वहाँ घूमे भागे, उसके बाद मैं हमारे घर में ऐसी परिस्थिति आई कि लड़के बच्चे सब बीमार रहने लगे, हमारी पत्नी की तबीयत खराब थी, अच्छी परेशानी, हमने कहा 2 पैसा अब कमाया जाए, तो यहाँ से भगा रावतपुरा सरकार जी के सानिध्य में, वहाँ सुबह शाम भजन गाता था, 4 साल नौकरी वहाँ भी किया मैं 3,000 रुपये महीने में, उसी से हमारे घर का रोटी रोजी सब पेट चलता था और घर के अलावा भी चलता था। मैं कभी जीवन में ये नहीं माना, एक बात बता दी अपना से कि जहाँ से अपना रही लागे, अपना के धर्म है, अपना के फर्ज है कि अपना के बगल वाला पड़ोसी अगर अपना दुई में के सब्जी खाए के समर्थ जीव अगर हैं तो अपना के कर्तव्य होते मानव हो के नाते कि अपना के जानी कि पड़ोसी का हमारा का एक में के सब्जी खा ले था, अगर वह एक में के सब्जी नहीं पावे खाए का तो फिर अपना के दुई में के सब्जी खाए से अपने कोनो फायदा नहीं। कहे का मतलब हमारी या सबसे प्रेम करे, ये जीवन बहुत कम समय के है, इतना सब संघर्ष करते हुए वह अपना के रावतपुरा सरकार के आशीर्वाद लेके वहाँ से 4 साल बाद आए, ऐसे ढोलकी हारमोनिया लेके गौवा करी गली गली कही जहाँ जान थी मानस से जहाँ जान थी भजन है, और लोग आग 100-200 रुपया दे देवा करें वहीं का समझवा करिए, वाह काल के घर के खर्चा उर्चा लड़कियन के फीस उस भगवान सब कह दी, और लड़कियन में घर के फीस नहीं, घर के खर्चा भर नहीं, हमारे गांव में अपना पता करब जाके कि माने राजकुमार शास्त्री माने कौन में के मलई है, कौन में के इंसान है, तो हम पूछे बताइए कि राजकुमार शास्त्री निगाह मनई है, सबके सेवा करी थे, जो सामर्थ्य जो चीज़ के नहीं है वहू को अगर कोनो आदमी परेशान है बीमार है बिटिए शादी कर लाग नहीं हो पाई ओखर व्यवस्था तो हम चाहे आना से माग के ओखर हम व्यवस्था बनाओ, कहा थे आदमी की अगर धन नहीं आए तो यह न माने कि हम गरीब हैं, धन से गरीब नहीं होता है आदमी, तन और मन राहत है, और तन मन इतना बड़ा धन आए, धन के नंबर है बहुत लास्ट में आवत है, यह सेवा करें हम समाज के। एक बात 200-300 रुपये रोज पा जा बकरी तो कार्यक्रम करी ढुलकी हारमोनिया लेके, फिर कुछ बढ़ा धीरे धीरे, लोग बाग पसंद करे लागे कि माने अच्छा गौते है बघेली में भजनों अच्छा गौते है, कुछ लोग भजना नंदी नाव धरा दिन हो गए, तब से फिर गावे लागन 15-14 साल यहाँ रीवा माए हो गया, 14 साल से आज तक जनता जनार्दन के गुणगान गाई थे, नेता मंत्री के गुणगान गाई थे, तो 2 पैसा भगवान के गुणगान गाई थे, पारलौकिक वाला अपन सुधारी लागे, अलौकिकों वाला सुधारी लागे, भगवान के भजन गाए के लौकिक पारलौकिक दोनों सुधार रहे हैं, अनेतन के ये गीत गाए गाए क्षणिक के स्वीट पॉइजन मीठा विष क्षणिक सुख, ये जो चमकती दुनिया है इसमें भी थोड़ा सा पड़ जाता हूँ, तो आज का माने दर्शन कम प्रदर्शन में भी थोड़ा सा जाना पड़ता है, इस भाव से मैं ये सोच रहा हूँ कि अब केवल राम जी की भजन गाऊँगा और लड़का बच्चन के पेट चले समाज के पेट चले जब तक रहा था गौते रहा, बस वही चल रहा हमार जिंदगी के सफ़र, संघर्ष में रहा हमारे भर नहीं सबके, एक आदमी आज कोनो आदमी होई कोनो इंसान होई वह बिना संघर्ष के वहाँ तक नहीं पहुँच पावे, संघर्ष के कई एक रूप होते वो कोने क्षेत्र में संघर्ष करी, तैसे संघर्ष सबका करे चाहिए, असंघर्ष से आदमी महान बन जाता है, फलत है फूलत है पुष्पित हो जाता है।